हाँ जी, तो बाइक लवर्स क्या हाल चाल है सबके। तो दोस्तों, अगर आप वैल्यू फॉर मनी बाइक्स की लिस्ट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जो नाम उसमें जुड़ता है वो है बजाज डोमिनार। वो कैसे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फटाफट से वॉक अराउंड शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे आते हैं तो हेडलाइट जो है फुली LED सेटअप, ठीक है। एक बढ़िया वाइजर टिंटेड आपको मिल जाता है जो कि विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्शन देगा। हैंडकफ्स मिल जाते हैं, वो भी स्टैंडर्ड है, बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं, काफ़ी स्टाइलिश है मेरे ओपिनियन में। और जो ब्रेक लीवर्स हैं, क्लच लीवर्स हैं, दे आर नॉन एडजस्टेबल, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो ब्रेक्स जो हैं आपको यहाँ पर भी बाई ब्रेक ही दिए जाते हैं। देख लेते हैं एक बार, ब्रेक्स जो हैं यहाँ पर भी आपको बाई ब्रेक मिलेंगे और डुअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड, ठीक है। टायर्स जो हैं आपको वो मिलते हैं MRF Revs C1 110/70 R17, ठीक है। और डायमंड कट में मिलता है, बॉस नॉर्मल अलॉय नहीं है, डायमंड कट है। जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है बिल्कुल सेटिस्फाई किया जाता है, बिल्कुल जस्टिफाई किया जाता है। USD फोक्स आपको मिल जाते हैं और ये जो है नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है। और मिरर्स जो है ना, मिरर्स में बहुत ख़ास बात है, अगर आपको ना बताओ तो मैं बता देता हूँ। ये जो है मिरर्स डैम्पिंग एडजस्टेबल होते हैं, मतलब कि जो वाइब्रेशंस हैं वो इसमें बहुत कम आती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप खोलते हैं ना तो यहाँ पे इसके अंदर वाइब्रेशन डैम्पिंग स्क्रू लगा होता है जो कि जो वाइब्रेशंस हैं वो डैम्प कर देता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टैंक कैपेसिटी अगर बात करें तो 13 लीटर्स का टैंक आपको मिल जाता है, तकरीबन 350 किलोमीटर्स की रेंज आपको ये निकाल के दे देगा। स्विचेस की अगर बात करें तो वो भी बैकलेट हैं, ब्लू कलर में चलते हैं, वाइट कलर में नहीं है, ब्लू कलर में है, बट स्टिल लुक्स गुड, ठीक है। स्पीडोमीटर जो है आपका फुल डिजिटल मिलता है और टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टैकोमीटर है यहाँ पे, फ्यूल गेज है यहाँ पे, और स्पीड यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ पे अभी इंजन किल ऑन की जो है वार्निंग आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी साइड स्टैंड ऑन की वार्निंग आ रही है और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है और ट्रिप और टाइम जो है वो भी यहाँ पे आ जाता है। मोड में जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है। और तो इन्फो आ गई, ओडो आ गया, ट्रिप 1 ट्रिप 2, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ सेट में तो आई थिंक दिस इज़ फॉर एडजस्टिंग द टाइम एंड ऑल, दैट्स इट। और इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन होल्डर लगाने के लिए एक स्टैंडर्ड माउंटिंग मिल रही है, ठीक है। और आपको जो है USB सॉकेट भी मिल जाता है, वो भी एज स्टैंडर्ड है, मतलब बाहर से कुछ नहीं लगवाना, बस सीधा शोरूम से बाइक निकालो और आप टूरिंग के लिए जो है रेडी हो। सीट जो है ना बहुत ही अच्छी पैडिंग वाली है, बहुत बड़ी सीट है, बहुत कंफर्टेबल सीट है और इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन डैमेज है। और यहाँ पे जो है पिलियन के लिए बैक रेस्ट दिया गया और वो भी जो है स्टैंडर्ड है। टॉप रैक है, वो भी स्टैंडर्ड है, मतलब सब कुछ तो स्टैंडर्ड ही दे दिया है। अभी खर्चा तो कुछ बात का बचता ही नहीं है, दैट्स वाई इट्स नंबर 1 फॉर वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। बात कर लेते हैं इंजन की, तो ये है 373cc KTM सोर्स्ड, सेम जो KTM 390cc का इंजन आता है वही है, 373cc है। और इस जो पावर जो प्रोड्यूस करता है वो है तकरीबन 40 PS, टॉर्क प्रोड्यूस करता है 35 Nm। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो 157 mm की आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बाइक जो है थोड़े छोटे व्हील बेस के साथ आता है, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस ना कंपैरेटिवली इनफ पड़ जाती है इस छोटे व्हील बेस के लिए। रियर सस्पेंशन की अगर बात करें तो रियर सस्पेंशन जो है वो आपको प्री लोड एडजस्टेबल मिलता है। और एग्जॉस्ट की अगर बात करें, एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है, डुअल बैरल है और स्पोर्टी साउंड भी करता है, स्पोर्टी दिखता भी है। टैंक पैड भी जो है वो भी आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है इस बाइक के साथ। और स्टैंडर्ड एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो आपको बैश प्लेट जो है वो भी इस बाइक में स्टैंडर्ड मिलती है। लीवर्स की अगर बात करें, ब्रेक लीवर्स आपको ना फिक्स मिलते हैं, फॉल प्रिवेंटिव नहीं मिलेंगे, बस फुटरेस्ट है जो वो फोल्ड हो जाता है और ये ब्रेक लीवर जो है वो फिक्स ही रहता है। ये लेग गार्ड जो है ना बहुत ही बढ़िया वाला, ये भी आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है और कितना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। बाहर भी प्रोटेक्शन है, यानी कि लेग्स को भी प्रोटेक्शन है और जो कूलिंग है अपना
इंटरकूलर जो है उससे भी प्रोटेक्शन दी गई है। हाँ जी, ये हो गई सारी बातचीत आगे से पीछे डोमिनार 400 की। अभी आपको मैं गिनवाना चालू करता हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी कैसे आ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ मोबाइल होल्डर माउंट पे, ये आपको अलग से लगवाना पड़ता है। तो तकरीबन आप लगा लो, ये जो जनरली KTM में भी लगता है वो भी 500 से 1000 रुपये में आता है। मोबाइल चार्जर अगर आप लगाते हैं, मोबाइल चार्जर सिर्फ लगाएंगे तो भी अच्छा वाला जो है 400-500 रुपये का आता है। मोबाइल होल्डर विद चार्जर अगर आप लगाते हैं तो वो 800 रुपये का आता है, ठीक है। तो तकरीबन हो गए आपके यहीं पे 3000 रुपये। हैंड गार्ड्स वो भी अगर आप लगाते हैं अपना बागबस्टर्स के तो वो भी लगेंगे तकरीबन आपके रेप्लिकास 1500 से 2000 रुपये, ठीक है। तो 1500 लगा लेते हैं तो ये हो गए हमारे 4500 रुपये, ठीक है। विंडशील्ड आपको स्टैंडर्ड मिल रही है जो कि बड़ी वाली है, छोटी वाली नहीं, ठीक है। पहले छोटी वाली आती थी, पहले तो खैर आती नहीं थी लेकिन अभी जो है स्टैंडर्ड देनी शुरू कर दी है। तो ये भी जो है आपकी तकरीबन लग जाएगी 1000 से 1500 रुपये में। आफ्टर मार्केट जो लगती है उसको हम गिन लेते हैं 1000 रुपये और, तो ये हो गया 5500 रुपये, ठीक है। लेग गार्ड वो भी आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है। अगर आप क्रैश गार्ड लगवाते हैं तो वो जो है आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार कॉस्ट करता है, तो 3000 हम उसके भी जोड़ देते हैं तो ये हो गए हमारे 7500, ठीक है। अभी पीछे आ जाइए, टॉप रैक की अगर मैं बात करूं तो टॉप रैक भी जो है 1500 से 2000 रुपये में लगता है, और जिसकी भी हम अगर 1500 रुपये कॉस्ट जोड़ लेते हैं तो वो हो जाते हैं आपके 9000 रुपये टोटल। और बैकरेस्ट जो है तकरीबन 800 से 900 रुपये में लगता है, 500 रुपये में लगता है, चलो 500 रुपये मिनिमम इसका भी लगा लेता हूँ मैं, तो ये हो गए 9500, ठीक है जी। तो इतना सामान जो है बाजार ने बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड दे दिया है, स्टैंडर्ड नॉट एज एन एक्सेसरी, बिल्कुल स्टैंडर्ड फिटेड विद द बाइक दे दिया, और आपके जो पैसे हैं बिल्कुल बच जाते हैं इस बाइक के साथ। भाई कोई भी बाइक उठा लो 3 लाख के नीचे इस बाइक का मुकाबला नहीं कर सकता। जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है इस बाइक में वो बिल्कुल ए क्लास है। बाइक के प्राइसिंग जो है अभी आपको ऑन स्क्रीन फ्लैश हो रहे होंगे, और थैंक्स टू दादा मोटर्स फॉर अलाउइंग मी टू शूट दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी बजाज का प्रोडक्ट चेकआउट करना है आप यहां पे आकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। दिस इज़ दमनप्रीत सिंह साइनिंग आउट, DR मोटोवर्स।